फैक्ट नंबर 3, नॉट हॉरर बट रियल। सऊदी अरब में रहता अल शहरा नामक एक युवक अपने कारखाने में से काम कर रहा था, तब अचानक गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जे कोमा में सरी पड़िया एंड होश में आया ही नहीं। बाद में उसके रिलेटिव्स ने उसको मरा हुआ समझकर उसको दफना दिया। आफ्टर 27 आवर्स वो होश में आकर मदद के लिए पुकारने लगा। वहाँ पे कितने लोग इकट्ठा हो गए और डरते डरते उसको कब्र में से बाहर निकाला। लेकिन ये क्या हुआ, उसे जिंदा देखकर सब लोग डर के मारे भाग गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात बताओ, उसमें भी एक फैक्ट छुपा हुआ है। सही से जब वो जिंदा मैन अपने घर पे पहुंचा, तब उसे जिंदा देखकर उसकी माँ भी थोड़े दिनों के बाद मृत्यु हो गई। है ना इंटरेस्टिंग। फैक्ट्स नंबर 2, 1942 की साल में पिजन कोव मैसाचुसेट्स के एलिस टेन में ने 1 लेख न्यूज़पेपर के द्वारा एक मकान तैयार किया। ये घर की दीवारें, कुर्सी यानी चेयर, वॉच और भी बहुत कुछ फर्नीचर भी न्यूज़पेपर द्वारा ही बनाया गया था। इज अमेजिंग। फैक्ट्स नंबर 1, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में मकान बनाते समय उस मकान को तैयार करने वाले कड़िए यानी मेजन ने एक ऐसी भूल की जिसे कहते हुए भी मुझे हंसी आ रही है। इट्स फन। घर का एक मात्र डोर होता है, उस जगह भी कड़ियों द्वारा यानी मेजन द्वारा दीवार खड़ी करवा दी। उस कारण अब वे सब काम कर घर में कर रहे थे, लेकिन अब उसका ही बनाया हुआ मकान में वो सभी कैद हो गए थे। बट लास्ट हुआ ऐसा कि उस सभी को वेंटिलेटर से बाहर निकाला गया। फैक्ट्स नंबर 0, है ना कुछ नया। परफेक्ट बुक भूल शोधने पर $250 का इनाम रखा गया था। 1744 की साल में विश्व की प्रथम परफेक्ट बुक को रिलीज किया। उस बुक के दरेक पेज को 6-6 प्रूफ रीडरों के द्वारा वंचाया गया था ताकि कोई भी भूल इसमें ना रह जाए। इस पुस्तक में हुई भूल पे नज़र करना यानी भूल शोधने वाले को $250 का प्राइज दिया जाएगा। कुछ समय दौरान जानने मिला कि वो पुस्तक बिना भूल के नहीं था यानी परफेक्ट नहीं था। इस पुस्तक में कुछ छह भूलें की गई थी, जिसमें पहली भूल तो पहले पाने पर ही की गई थी, जिसको प्रूफ रीडरों द्वारा चेंज करने में चूक गए थे। कुछ बात ही ऐसी थी, इसीलिए फैक्ट नंबर 0 को भी हमने डाल दिया।